बस वेट कर रहा हूँ कभी कभी ये नन्ही सी जान बाहर आकर मेरे हाथों में यूं यूं खेलेगी। टिकट्स बुक हो चुकी हैं, हम लोग कल लौट जाएंगे। आप तो कोलकाता कभी आना नहीं चाहते थे। I'm sorry कि हमारी और निर्वाण की वजह से आपको यहाँ आना पड़ा और इस सब से गुजरना पड़ा। That's okay. No, it's not. हमें आपके बारे में सोचना चाहिए था। बिना किसी रिश्ते के एक बिना माँ के बेटे को संभाल रही हैं आप, एक माँ जैसा प्यार दे रही हैं उसे। गवर्नेंस बनकर आई थी आप, लेकिन हमारे निर्वाण को एक माँ से बढ़कर संभाला है आपने। बेटा ही तो है मेरा, निर्वाण में मुझे मेरा वो बच्चा नजर आता है से सालों पहले मैंने खो दिया था। मिस्टर शेखावत, अब यही मेरे जीने की वजह है, मेरे जीने का सहारा है ये। अगर आज मेरा बच्चा जिंदा होता तो वो भी इतना ही बड़ा होता। अरे आओ अंदर आओ, बाहर क्या खड़े हो, आओ बस। आओ यार। सौदा पक्का है ना? सौदा पक्का है तभी तो घर लाया हूं। बच्चे अंदर थोड़ी जाके देख लो, जाओ जाओ। क्या कर रहे हैं आप? कौन है ये लोग? भरपाई कर रहा हूँ, बहुत मुफ्त की रोटी तोड़ ली छोकरी ने, और तूने भी अपने हिस्से का बहुत काम करवा लिया है, थोड़ा फायदा मुझे भी उठान दे। मोटा दाम दे रहे हैं, परी महल में बेच रहा हूँ। क्या हो गया आपको? 6 साल की बच्ची है वो, पता है ना क्या होता है वहां पे? सब पता है मेरे को, दिखा मत। कीमत सुनेगी ना तो तेरी नियत भी डगमगा जाएगी। बोलती बंद हो जाएगी रानी, बोलती बंद। 10 लाख में बेच रहा हूं, 5 लाख आज, 5 लाख कल। इसके परी महल पहुंचते ये ले आशीष, लड़की खूब बाल बच्चे, 5 लाख रुपए, बाकी के 5 लाख उसे परी महल पहुंचने के बाद मिल जाएगी। ठीक है जी, तो
निकलो यहां से। मैंने कहा निकलो यहां से। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरे जिस्म में से जान जुदा कर रहा। हे भगवान, कुछ बुरा मत होने देना। गलत हो रहा हो तो उसे रोक लेना। क्या बोलते हो? होपदार हूं। तुम लोग गए नहीं अभी तक यहां से? मैंने कहा निकलो यहां से। अबे क्या कर रही है? ग्राहक है, पागल औरत। माफ करना, ये ठीक है ठीक है, कल लड़की को ले जाऊंगा, तैयार रखना। हाँ, बाकी का पैसा उसी टाइम दूंगा। ठीक है, तो चलेगा। चल क्या नाटक लगा रखा है ये? क्या नाटक लगा रखा है? हाँ, अगर कल टेढ़ी चली मेरे और 10 लाख रुपए के बीच में आई है ना, जान से मार दूंगा। ये अनर्थ मत करो, मासूम बच्ची है वो। ऋषि ना मामूली नहीं है, इस लड़की के सर पर भगवान का हाथ है। पता है ना, जन्माष्टमी वाले दिन 12 बजे जन्म लिया था इसने। इसकी माँ का इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ था और खरोंच तक नहीं आई थी। कोई दैवी शक्ति है जो उसकी रक्षा करती रही। इतना बड़ा पाप मत करो, इस लड़की से पंगा मत लो, बहुत भारी पड़ेगा। अपनी हर दर्द हर मुसीबत को हंसकर झेलती है, अब तक नहीं करती है। भगवान सजा देगा, मत करो, क्यों बेच रहे हो उसे, समझो मेरी बात को। ये बकवास ना, 6 साल से सुन रहा हूँ, बस आप ये भगवान का रूप बोल बोल कर ना मेरे मन में वहम मत डाल। भगवान नहीं है वो, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। तो उसकी जगह इस खोली में नहीं है, परी महल में है। वहां बेच रहा हूं तब जाके इतना मोटा दाम मिल रहा है, समझी? चुपचाप उसको रवाना कर, पर उसके साथ तुझे ही बेच दूंगा। सोच ले, उसे बेचना है या खुद को बचाना है। सोई नहीं,
मिस्टर शिखावत, मैंने कुछ पूछा? हाँ वो नींद नहीं आ रही थी तो सोचा कुछ काम करूं, मैं कुछ ऑफिस की प्रेजेंटेशन रेडी कर रहा था। किस बात से परेशान है? ESP मतलब एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन होता है आप लोगों के पास, मर्दों को खुली किताब की तरह पढ़ लेती हैं आप, बिना बताए जान गए कि हम परेशान क्यों हैं। आप सवाल ही पूछते रहेंगे या बताएंगे भी? स्मिता जी, हमसे बर्दाश्त नहीं होता जब आपसे कोई बदतमीजी करता है। किसी को कोई हक नहीं है आपको इस तरह से ट्रीट करने का। आप मेरी फिक्र मत कीजिए, जिंदगी ना कुछ सब में बड़े प्यार से देती है, उसे संभाल कर रखते हैं। काश हमसे भी किसी ने इस तरह से प्यार किया होता। बलकुमर पर बिठा के रखते उसको, निर्वाण के पैदा होते ही दूसरे दिन ही उसकी मां अपने प्रेमी के साथ भाग गई। एक आप हैं जो उसकी मां ना होते हुए भी उसका इतना ध्यान रखती हैं, कितने प्यार से पाल रही हैं उसे आप। और एक वो शान है जिसे हीरे की कदर ही नहीं है। मिस्टर शिखावत, हम अगली फ्लाइट से वापस चले जाएंगे। इस शहर में सिर्फ दर्द है, घुटन है। शान को, नंदिनी को, उसके बच्चे को एक साथ देखकर मुझे बहुत अजीब लगता है। दर्द नहीं जाता, लेकिन हम तो जा सकते हैं। आप घबराइए नहीं, हम कल सुबह की फ्लाइट से ही चले जाएंगे। पर मैं आपसे वादा करता हूं कि कभी वापस नहीं आएंगे। एंड आई प्रॉमिस यू, देखता हूं हमें कौन जाने से रोकता है यहां से। अरे अरे मोनी, बड़ी खुश लग रही हैं आप। हाँ बड़ी माँ, मुझे मेरी फ्रेंड रिया का फोन आया था, उसका बर्थडे है कल, वहाँ जाना है 7 PM। कल तो 31st है। नहीं, आप नहीं जा सकती। 31st अगस्त से शाम को 7 बजे हैवान आने वाला है। मानी, हम आपको कभी मना नहीं करते, लेकिन हम आपको बाहर नहीं जाने दे सकते। इनफैक्ट आप अपनी फ्रेंड रिया को भी कह दीजिए कि ये पार्टी कैंसिल कर दे। वो हैवान रियल है और बहुत डेंजरस है। हम आपको बाहर हरगिज़ नहीं जाने दे सकते। तेरी शामत आ गई है, इतनी देर तक बिस्तर पर पड़ी है, मारा नहीं है कहीं की? मैं उठती है कि दूं एक। सॉरी बाबा, वो मीठा वाला सपना देख रही थी, इसलिए नहीं सुनाई दिया। वैसे भी बाहर तो कितना अंधेरा है, कैसे पता चलेगा सूरज दादा आ गए? आवाज बंद कर, 10 मिनट में रेडी चाहिए मुझे, वरना जानती है ना मैं क्या करूंगा। पता है बाबा, पता है। चल। पानी डालना ही था तो पूरी बाल्टी भर के डाल देते, नहाना तो हो जाता कम से कम। फिर बोले दो कुछ? नहीं बाबा, कुछ नहीं। चल तैयार हो जल्दी से, स्कूल जाना है। स्कूल? मेरा भी दाखिला करवाते हैं स्कूल में, मैं भी पढ़ूंगी।
ज्यादा सपने ना देख मत। स्कूल में चॉकलेट बेचने जा रहे हैं, तेरा दाखिला करने नहीं, समझे? चल दे यारो। क्यों बार बार गुस्सा करते हो? बेटी हूं ना आपकी, कभी तो प्यार से बात करो। पानी डाल के उठाया, उससे अच्छा प्यार से उठा लेते तो भी उठ जाती। आपको पता है कल मेले में पापा मिले थे, वो कितने अच्छे थे, इतने अच्छे से मुझसे बात की। आप उनके जैसा बनो ना, आप भी अच्छे से बर्ताव करो ना। चुप, अली ड्रामेबाज। बाप नहीं हूं तेरा मैं, और तू बेटी नहीं, सर पे बोझ है मेरे, बोझ। शुक्र कर पाल पोस के बड़ा किया है, वरना जिंदा ही नहीं होती। तो बेटी हूं आपकी। पता है ना, गुस्से में कुछ भी कहते हैं, वही है बाबा। चल तू तैयार हो जा। मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। सच में मेरे पापा मेरे असली पापा नहीं है, इसलिए वो मुझसे प्यार नहीं करते? उस ब्रेसलेट वाले अंकल ने पराया होके भी कितना प्यार किया, काश वो मेरे असली पापा।